पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 1 फरवरी से प्रारंभ हो रही रामकथा की पूर्व संध्या पर आज मुरादाबाद की तलनगरी में पहुंचकर सर्वप्रथम यहां के सबसे सिद्ध स्थान तथा विख्यात महाकालेश्वर धाम मंदिर में पहुंचकर प्रभु का दर्शन किया और वहां के मुख्य पुजारी महंत गणेशानंद जी से आशीर्वाद प्राप्त कर भोले बाबा की कृपा प्राप्त की। विदित हो कि मुरादाबाद का यह आध्यात्मिक सिद्ध मंदिर ओम संस ग्रुप के CMD महेश चंद्र अग्रवाल और उनके परिवार द्वारा प्रभु की कृपा से स्थापित किया गया है। इस अवसर पर ओम संस परिवार के द्वारा रमेश भाई ओझा जी का स्वागत किया गया और इस दौरान भगवान के दर्शन कर सभी ने धन लाभ कमाया। इस अवसर पर ओम संस परिवार उपस्थित रहा और सभी ने रमेश भाई ओझा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए रमेश भाई ओझा ने कहा कि अयोध्या में श्री राम लला के विराजमान होने के बाद पूरा माहौल भक्ति में है और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिसका सभी को इंतजार था वो घड़ी पूर्ण हो गई। रामलला के अयोध्या में विराजमान होने पर उन्होंने खुशी व्यक्त की है। कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। पार्वती समेत श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्पवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुखैर्यवापृशात् बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हैं। स्वाभाविकतया जिसको हम ज्ञानवादी कहते हैं दृष्टि तो वहाँ जाती है। हाथ कंगन को आरसी क्या बने बनाए मंदिर की दीवारों पर ही गुंबद खड़ा कर दिया गया है। सभी धर्मों का आदर करते हैं लेकिन वो जो किसी के धर्म स्थान को तोड़ कर उसके ऊपर कब्जा करके अपना वो करे सत्ता के उस पर, अब प्रजातांत्रिक देश में जिस प्रकार राम मंदिर की प्रजातांत्रिक पद्धति से और न्यायिक प्रक्रिया से पास होते हुए एक नतीजे पर पहुंचे और रामलला अयोध्या जी में राम मंदिर में विराजे, उसकी नींव सद्भावना की पड़ी है। मैंने इससे पूर्व जहां कथा कर रहा था वहां पर ये अनुरोध किया था क्योंकि वहां मुस्लिम बंधु भी आ रहे थे और लोग भी आ रहे थे। मैंने कहा पूरे भारत से और देश विदेश से अनेक लोग रामलला जब मंदिर में विराज रहे हैं तो कुछ ना कुछ भेंट सब लोग कर रहे हैं। मथुरा और काशी भेंट करो रामलला को, ये कोर्ट का डिसीजन है। भेंट तब होती कि जब समझदारी पूर्वक उस केस को हटा लिया जाए और सौंप दिया जाए। म्यूचुअली आपका कहना है म्यूचुअली, हां तो एक सद्भाव का वातावरण बनता है, नहीं तो न्यायिक प्रक्रिया के पास होते हुए जैसे आज अधिकार दे दिया माननीय न्यायालय ने उसी तरह से आगे आगे भी वो प्रक्रिया चालू रहेगी और बहुमती हिंदू समाज को न्याय मिलेगा, जनता नक्की करेगी। लेकिन जिसने जो बोला था वो करके दिखाया तो स्वाभाविक रूप से जनता का उसके प्रति समर्थन तो होगा ही। प्रजानां भवते माता हंसं तत्रोत्मे धनभक्ति धनं बालो धनं पमं शिव सोमं पिबत वृत्रः सोमं धनस्थ सोमिनो मक्यं ददात सोमिने न क्रोधो न तमा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।